सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्मफल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम तृतीय अध्याय का तृतीय पाद पढ़ रहे हैं और सूत्र संख्या कहाँ तक पढ़े थे? 53 तक हम पढ़े थे, है ना? जिसमें क्या विषय था? शरीर ही आत्मा है ऐसा कुछ लोग क्यों मानते हैं? ठीक है, तो क्यों मानते हैं? क्योंकि शरीर में सब कुछ देखते हैं वो लोग, ठीक है ना जी। ये विषय हम देखते हैं, ये शरीर है तो खाना पीना हो रहा है, चलना फिरना हो रहा है, सब कुछ तो शरीर है तो भी हो रहा है, इसलिए ऐसा मानते हैं वो। तो ये ठीक नहीं है, ऐसा मानना ठीक नहीं है, है ना? और सूत्र 52 में क्या पढ़े थे? जीव ब्रह्म के सदृश आनंद वाला कब हो जाता है? तो कब हो जाता है? हाँ जी, इसका देखे दफा से क्या? शांति परमात्मा के साधन संबंध में होता है, जीव ब्रह्म के सदृश आनंद वाला हो जाता है। इस विषय में अनेक समय प्रमाण। हाँ, तो ये प्रमाण पढ़े थे हम कल, इससे पहले पढ़े थे कि यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मयो होती। जो उस परम ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म समान हो जाता है, है ना? और देखो ये भी आया है कि भिन्न भिन्न प्रकरण गता नाम परमात्मोपासना नाम अनुबंध फलम प्रयोजनम तो न भिन्नम भिन्नम किंतु एकम एव। कि भिन्न भिन्न प्रकरण में जो परमात्मा की उपासना की बात आई, उसका फल अनुबंध प्रयोजन ये सब भिन्न भिन्न नहीं है किंतु एक ही है। और परमात्मा के साथ में जब संबंध जुड़ जाता है, देखो परेणात्मना माने परमात्मना, परमात्मा के एक नाम क्या है? परेणात्मा माने जो सबसे पर आत्मा है, हाँ सबसे महान आत्मा है। तो उस परमात्मा साथ में तद्विद्वे, तद्विद्वे माने तत्सादृश्य, ये जो सूत्र में दिया है तद्विद्वे दिया है ना, इसका मतलब क्या है? सादृश्य। तो उस परमात्मा, हाँ उस परमात्मा के समान या उसके धर्म को जब ये जीवात्मा धारण कर लेता है तो उसके संबंध जुड़ लिया। तो वो कह रहा है कि अत्र शब्द प्रमाण से बाहुल्यात, शब्द प्रमाण की बाहुलता होने से, प्रचुरता होने से, कि जब उसके गुण धर्म को ये धारण कर लेता है तो उसके समान अनंत फल वाला बन जाता है। इसी बात को तो कहा कि यो हो वै तत् परमं ब्रह्म वेद, जो उस ब्रह्म को जान लेता है माने उसके गुण को धारण कर लेता है वो ब्रह्म समान बन जाता है। और यदा पश्चिम पढ़े थे मुंडक उपनिषद का, जो देखने वाला योगी है वो सबके कर्ता ईश्वर को, पुरुष को, ब्रह्म को, जो सबका योनि है उसको जब जान लेता है तो पाप पुण्य को छोड़ करके माने सकाम भाव से पुण्य छोड़ करके अब पाप छोड़ करके उस निरंजन परमात्मा साथ संबंध को जोड़ करके उसके समान आनंदी बन जाता है। तो सूत्र 52 में ये विषय हमारा चल रहा था। तो ये 52-53 विषय ये होगा। इसके पहले क्या पढ़े थे? सूत्र 51 में उपसंहार और व्यतिहार, ये क्या लिखे थे प्रश्न में? कब हो सकता है? तो क्या पढ़े थे? इसका उत्तर क्या था? सूत्र संख्या 51 क्या था? हाँ, जब विषय समान होता है तो उपसंहार और व्यतिहार कर सकते हैं। मुख्य बात तो यह है, केवल नाम समान होने पर नहीं होता। यह हमने पढ़ा सूत्र 51 में, है ना? तो ये इसके पहले पाठ पढ़े थे ना,
50 51 52 और 53 यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब और चलेंगे सूत्र संख्या 54, ठीक है। चलो सूत्र संख्या 54 क्या है बोलिए। व्यतिरेक तद्भाव अभावित्वात् तो उपलब्धिवत, हाँ न आ जाएगा, व्यतिरेक तद्भाव अभावित्वात् न तो उपलब्धिवत, ठीक है। तो सूत्र 54 का प्रश्न लिखिए। सूत्र 54 क्या कह रहा है प्रश्न लिखिए। सूत्र 54 लिखिए, प्रश्न लिखिए 54 का। आत्मा शरीर से भिन्न क्यों है, छोटा सा ही है। आत्मा शरीर से भिन्न क्यों है ये प्रश्न हुआ। उत्तर लिखिए, आत्मा शरीर से भिन्न है क्योंकि, आत्मा शरीर से भिन्न है क्योंकि आत्मा के धर्म चैतन्य आदि, आत्मा के धर्म चैतन्य आदि मरने पर रूप आदि शरीर के धर्मों के तुल्य, रूप आदि शरीर के धर्मों के तुल्य उपलब्ध न होने से, उपलब्ध न होने से, ठीक है जी। तो ये अब ये क्या कह रहा है कि देखो सूत्र में आत्मा शब्द नहीं है, फिर भी इसको क्या करने कहते हैं, आत्मन इति अनुवर्तते, आत्मा शब्द की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र 53 में आत्मा है ना, और सूत्र 54 में आत्मा शब्द नहीं है, तो उसको बोलते हैं उसकी अनुवृत्ति आना। क्या बोलते हैं, अनुवृत्ति। तो सूत्र 53 में आत्मन शब्द है, इसके यहाँ पर अनुवृत्ति आ गई। तो यह आत्मन शरीर व्यतिरेक, जो आत्मा है शरीर से भिन्न है, व्यतिरेक माने भिन्न, क्या समझे, व्यतिरेक माने भिन्न लिख लो आप, ठीक है। तो आत्मा का शरीर से भिन्न होना, पृथक होना, माने पृथक अस्तित्व विद्यते, उसका अस्तित्व पृथक होना ठीक बात है। तो आत्मा जो क्या है शरीर से भिन्न, क्यों भाई, तो कह रहा है तत्शब्देन आत्मानं परामृशति, कि वहाँ पर जो है तत्शब्द से आत्मा का ग्रहण किया गया है, माने वो जो परमपिता परमात्मा नहीं, जीवात्मा की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो उस आत्मा के भाव माने क्या क्या परमात्मा में, देखो तस्य आत्मन भाव भाव चैतन्यम जत्वम प्राण चेष्टनादिकम तद्भाव, ये इसका ज्ञान होता है, ये आत्मा शब्द को परिपुष्ट करता है ना। और शरीर से ये भिन्न नहीं, ये सिद्ध कर रहा है परामृशति, माने इसका जो इस अस्तित्व है शरीर से भिन्न है, ये सिद्ध होता है। तो क्या सिद्ध हुआ कि आत्मा शरीर से अलग है, समझ गए ना। हाँ, तो आत्मा की अनुभूति हम खुद कर रहे हैं कि हम आत्मा है करके। तो देखो ये शरीर में जत्व है, प्राण है, चेष्टा है, ये सब तद्भाव है, उसका भाव है, आत्मा का भाव है मतलब। तो चैतन्य जत्व प्राण चेष्टा ये सभी एक ही है, जानना का, जानने का गुण जत्व, जान करना है ना, प्राण चेष्टा ये इन सब का भाव जिसमें होता है वो आत्मा है।
तो तद्भावी तो आत्मा और तद अभावी शरीरम। आगे आगे देखो, जिसमें इसका अभाव होता है तो वो शरीर है, और जिसमें इसका भाव होता है वो आत्मा है। तो पहले आया था तद्भावस्य, माने उनके होना, इनका होना क्या है, जीवात्मा की सूचना है। और जहाँ पर इनका अभाव आ गया है, यस्मिन तत् तद अभावी हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर ये नहीं होते हैं वो शरीर है। तो शरीर का मतलब जहाँ पर ये चेष्टा आदि आत्मा का निकलने पर नहीं होता, चेष्टा माने कर्म, अभी तो आया ना शरीर में, वो वृत्त होने के बाद में रूप आदि गुण तो ऐसे कैसे रहते हैं, रूप है जो भी शरीर का हाथ पैर है वो तो ऐसे रहेगा, लेकिन इसके रहने पर भी चेष्टा नहीं होती है। इसलिए कहा पश्यतु तावत मृत अवस्थायाम, उस मृत अवस्था में देखो कि चैतन्य जत्व प्राण चेष्टा नाम आत्मधर्मानाम भावो न विद्यते शरीर, ये सभी गुण भाव आत्मा में होते हुए भी जब आत्मा निकल जाए शरीर में, शरीर से, तो शरीर में ये सब गुण आते नहीं हैं, चेष्टा करना, गति करना, प्राण का जाना आना होना, ये सब धर्म आत्मा के हैं, ये शरीर में नहीं मिलते हैं मरने के बाद में। जबकि तदानिम रूप आदि नाम शरीर धर्मानाम उपलब्धिवत्तु, माने शरीर का जो रूप है रंग है जो भी है वो सब तो होता है, लेकिन न तो तेषाम चेतन जत्व प्राण चेष्टाम भौति, ये जो आज्ञा सभी कि ये रूप आदि होने पर भी चैतन्य गुण है, जत्व है, प्राण है, चेष्टा है, ये सब की उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए आत्मा शरीर से भिन्न है, जिसके लिए मोक्ष की मोक्ष की प्राप्ति होती उपासना करने का विधान है कि आत्मा है इसलिए उपासना करो मोक्ष मिल जाओ, ये कहना ठीक है। तो ये आत्मा के लिए मोक्ष का उपदेश करना ठीक है, क्योंकि आत्मा की सत्ता है, ठीक है। ये सूत्र 54 में हो गया कि आत्मा है उपासना ध्यान करे तो मोक्ष में जा सकता है, शरीर से अलग है वो, ये सूत्र 54 में इसका सार मिला हमको। अब देखो सूत्र 55, अंगा व बद्धा, हाँ तू अंगा व बद्धा तू, ये होगा है ना, न शाखासु ही प्रतिवेदम, ये सूत्र 55 है। अब इसका प्रश्न लिखिए, क्या उद्गीत आदि, क्या उद्गीत आदि उपासना की, क्या उद्गीत आदि उपासना की अंगभूत विधियां केवल उसी शाखा में ही अंगभूत विधियां, अंगभूत विधियां, विधि विधि विधियां विधियां, फिर बोलता हूँ, उद्गीत आदि उपासना की अंगभूत विधियां क्या केवल उसी शाखा में, ब्रैकेट में अपनी अपनी शाखा में ही होती हैं, ये प्रश्न हुआ। क्या कोई एक बार लिखना भाई, दो बार मत लिखना, पहले क्या लिखे थे, हाँ, क्या उद्गीत आदि उपासना की अंगभूत विधियां केवल उसी शाखा में ही, बराबर अपनी अपनी शाखा में ही होती हैं, ये प्रश्न हुआ। हाँ, केवल उसी शाखा में, उसी मंदिर अपनी अपनी शाखा में होती हैं, तो उत्तर लिखो, उद्गीत आदि उपासना की अंगभूत विधियां, उद्गीत ये उसका पेस्ट करना है, ऊपर वाला को लिखना है, उद्गीत आदि उपासना की, लिख लो कोई बात नहीं, लिखो उद्गीत आदि उपासना की अंगभूत विधियां केवल उसी शाखा में ही नहीं होती, केवल उसी शाखा में ही नहीं होती, अपितु
अपितु सभी शाखाओं में, अपितु सभी शाखाओं में उन विधियों का उपसंहार व्यतिहार करना चाहिए, उपसंहार व्यतिहार करना चाहिए। यह हो गया सूत्र 55 का अर्थ है, अपितु सभी शाखाओं में उन विधियों का उपसंहार व्यतिहार करना चाहिए। ठीक है ना जी, ये सूत्र 55 हो गया। तो देखो क्या कह रहा भाष्य में, उद्गीत आदि उपासना अंगता ये खुल विधया, जो उद्गीत आदि उपासना की अंगभूत विधियां हैं वे कौन कौन सी हैं, यहाँ पर देखो बता रहा है, ओमिति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासित, ये विधि बता रहा है छंदोग्य में कि ओम परमात्मा की उपासना करो जो अक्षर है। ऐसे कहा लोकेशु पंचविध सोमो उपासित, लोकों में पंचविध शाम की उपासना करे, है ना। ऐसे आगे फिर आ रहा है वृष्टो पंचविधन समोपासित, वृष्टि में भी ये वृष्टि के लिए भी वो पंचविध शाम की उपासना करे। ऐसे ऋतुषु ऋतुओं में भी पंचविध समोपासित, पांचविध शाम की उपासना करे। ये विधियाँ बता रहा है, ये उद्गीत उपासना की अंगभूत विधियाँ हैं ये, है ना। ऐसे ही उक्थम उक्थम इति वे प्रजा वदंती तद इदम एव उक्थम इयम एव पृथ्वी, ये ऐतरे ब्राह्मण का है। उठ गया ऐसी प्रजा की, ऐसे कहा गया है। उक्थम उत्थम माने प्रशंसा में, प्रशंसा में प्रजा लोग कहते हैं उसकी प्रशंसा में, मतलब उक्थम माने प्रशंसा, उसकी प्रशंसा में, प्रशंसा में ये प्रजा लोग कहते हैं। कोई प्रशंसनीय है, कौन प्रशंसनीय है, परमात्मा, उसकी उपासना करो, वही पृथ्वी का मालिक है। तो ऐसे और भी कह रहा है कि अयम वाव लोको एसो अग्नि अग्निश्चित, ये भी इसी का ही एक अंग हो, सत्पद ब्राह्मण का है कि वो जो परमपिता परमात्मा है अग्नि नाम का, इस समस्त लोक में समाया हुआ है, स्थित है, वही उपासना करने के योग्य है। तो ऐसे छंदोगा लोग, छंदोगा नाम माने छंदोगा लोग, छंद के माध्यम से गान करने वाले भक्त लोग, या छंदोग्य की उपासना करने वाले, और वाजस से वाजसनेय नाम, वाजसनेय शाखा वाले, तो छंदोगा शाखा वाले और वाजसनेय शाखा वाले, ये भव्य ऋचाम अनेक ऋचाओं से जो उपासना करते हैं, भिन्न भिन्न शाखा से युक्त हैं, जुड़े हुए हैं, तो भिन्न भिन्न शाखा वेद शाखे नाम, वेद के भिन्न भिन्न शाखाओं वाले लोग जो हैं वे इस प्रकार से विधियों से उसकी उपासना करते हैं। तो उनकी विधियाँ केवल अपने अपने में सीमित नहीं है कि तत् तत् वेद शाखासु, अपनी अपने शाखा में ही वे हों ऐसा नहीं है, अपितु सर्वासु शाखासु, सभी शाखाओं में ही उनका उल्लेख होता है, उन विधियों का उपसंहार व्यतिहार कर सकते हैं। आ गया ना, सर्व शाखासु तेषाम विधिनाम उपसंहारो व्यतिहारो तो यथा अथम कर्तव्य, यथा योग्य जहाँ भी हो जैसा भी हो उपसंहार व्यतिहार कर सकते हैं। तो ये अपने अपने शाखा की बातें हैं। हाँ जी, दिखा ना कहीं पर दिखा वृष्टो पंचविधम समोपासित, उस शाखा की बात है। कहीं पर कहा है ऋतुसु पंचविधम समोपासित, यहाँ पर कोई कथन है। यह अपनी अपनी शाखा में इस प्रकार का विधान तो है, लेकिन कह रहा है ये खाली अपनी 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 शाखा में सीमित नहीं है, अब जो सभी शाखाओं में विस्तार के रूप में, विराट रूप में इन सब का आप व्यतिहार उपसंहार कर सकते हैं। ये हो गया सूत्र 55। ठीक है, अब आगे चलो सूत्र अंतिम करते हैं, सूत्र 56 लिखिए। सूत्र 56 का प्रश्न लिखिए, सूत्र बोलिए पहले। हाँ, मंत्रादिवत्वा अविरोध, ये सूत्र क्या हो गया 56। अब इसका लिखिए, क्या प्रश्न लिखिए, मंत्र गुण और द्रव्यों के
क्या मंत्र गुण और द्रव्यों के उपसंहार व्यतिहार के समान उपासना कर्म का भी उपसंहार व्यतिहार कर लेना चाहिए? ठीक है, ये प्रश्न हुआ जी। उत्तर में लिखिए हाँ, उत्तर में हाँ करके पूरा प्रश्न को उतार दीजिए। उत्तर क्या लिखेंगे? हाँ। अब आगे लिखिए जो लिखे थे कि हाँ करके लिखो, मंत्र गुण और द्रव्यों के उपसंहार व्यतिहार के समान उपासना कर्म का भी उपसंहार व्यतिहार कर लेना चाहिए। जो प्रश्न है ना, बस उसको क्या को मिटा करके हाँ जोड़ दो, बस वो हो गया उत्तर। प्रश्न में क्या था, क्या हाँ शब्द है ना, क्या को हटा दो और क्या लिख दो, हाँ हो गया उत्तर। उपसंहार व्यतिहार कर लेना चाहिए। अब सवाल लिखो, इसमें कोई दोष नहीं है, इतना जोड़ दो बस, इसमें कोई दोष नहीं है। ये हो गया सूत्र कौन सा, 56 है ना। हाँ, तो अथवा देखो भाष्य में बोल देते हैं, हेतु अंतर पक्षे वा शब्द कि ये कह रहा है हेतु अंतर पक्ष में कोई शब्द बता रहा है। क्या बता रहा है, आगे खुलता है इसको कि मंत्र आदि एक शाखा में पढ़े हुए, ठीक है, ये हेतु अंतर पक्ष माने और कोई पक्ष बता रहा है, कोई शब्द आ जाता है तो उसको और खोल रहा है कि मंत्रादि नाम मंत्र गुण द्रव्या नाम, कि मंत्र आदि है ना गुण और द्रव्यों का कह रहा है शाखांतर माने अन्य शाखा में विनियोग होता है। तो इन मंत्रों का गुण का द्रव्यों का भी तीनों आ गया। देखो मंत्र गुण द्रव्या नाम, तो मंत्र का गुण का और द्रव्यों का तीनों का शाखांतर है, अर्थात शाखांतर दृष्टा नाम भिन्न शाखाओं में क्या होता है, विनियोग होता है। यो जाता है एवं प्रथमो मनुष्यवान, यह शुरू हो गया। अब यो जाता एवं प्रथमो मनुष्यवान, ये एक सूक्त है, ऋग्वेद का एक सूक्त है। सजना स इंद्र, जो सबसे पहले मनुष्य हुआ था, मनुष्यवान माने मनुष्य हुआ था, सजना स इंद्र वही इंद्र है परमात्मा, उसको जानो। तो इति ऋग सूक्त मंत्र, ये ऋग्वेद का सूक्त का मंत्र है। फिर कह रहा है संजनीयम सस्यम, ये कहाँ का है, 33 संहिता का है ये। ऐसे ही आध्वर्यवे कर्मणि विनियुज्यन्ते, आध्वर्य के लिए कर्म में इसका विनियोग मिलता है। संजनीयम सस्यम माने सस्यम क्या होता है, फसल अनाज, अनाज की आहुति भी दे सकते हैं यज्ञ में, आहुति दे सकते हैं है ना। तो ये अध्वर्युग कर्म है, तो अध्वर्युग कर्म में ये यजुर्वेदी शाखा में इसका विनियोग मिलता है। अध्वर्युवे कर्मणि माने उसके कर्म में, अध्वर्युग कर्म में इसका विनियोग मिलता है। फिर कहा यथा ये सामपि साख्य नाम समिदादय प्रयाजा नामना तास्ते सामपि तेषामपि गुण विधि आमनायते दितो वे प्रयाजा समानम अत्र होतव्यः, तो समान रूप से इस प्रकार से यहाँ पर हवन करना चाहिए। ऋतु में प्रयाज समान है ना, ये सभी होम करने चाहिए। ये इतना दिया बस, मैत्रायणी संहिता का है कि ऋतु में प्रयाज समान स्थान में होमनी चाहिए, माने इसके माध्यम से होम करना चाहिए। तो इसमें कोई विरोध नहीं है, विजयम न ही विरोध हो। तो इनके माध्यम से जैसे हम पहले पढ़े थे कि मंत्र गुण और द्रव्य इन सब का उपसंहार व्यतिहार कर सकते हैं, ये भी इनका आ गया, मंत्र का भी आ गया और गुण का भी आ गया
और द्रव्य का भी आ गया, जैसे संजनम सत्यम, तो कुछ द्रव्य का भी आ गया। तो द्रव्य का भी और मंत्र का भी और गुणों का भी आप उपसंहार व्यतिहार कर सकते हैं। तो ऐसे ही उपासना कर्म का भी उपसंहार व्यतिहार कर सकते हैं। तो जिन शाखा वालों के समिधा आदि, देखो अलग अलग शाखा वाले होते हैं ना जी, वो अलग अलग प्रकार की समिधाओं से भी हवन करते हैं। सबका विधि विधान अलग अलग होता है, लेकिन उन सब का व्यतिहार उपसंहार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से उपासना भी है, कोई किस मंत्र से करता है, कोई किस मंत्र से करता है ना, कोई बैठता है वज्रासन में, कोई बैठता है पद्मासन में, कोई यहाँ धारणा करता है, कोई यहाँ धारणा करता है, कोई हृदय में धारणा करता है। तो विधि भी कुछ कुछ अलग है, लेकिन सबका उपसंहार व्यतिहार हो जाता है। इसका सार यह है, जैसे यज्ञ में भिन्न भिन्न मंत्रों का और द्रव्यों का उपसंहार करते हैं, ऐसे उपासना कर्म का भी उपसंहार व्यतिहार कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। ये सूत्र 56 भी पूरा हुआ। ठीक है, तो आज तीन हमने पढ़ा, 54, 55 और 56। आज का सार क्या निकला पाठ का, कि उद्गीत आदि उपासना की जो अंगविध विधियां हैं वो केवल अपनी अपनी शाखा में सीमित नहीं है, सभी शाखाओं में उनका प्रयोग किया जा सकता है। और आज फिर अभी कह दिया कि इन जैसे यज्ञ में मंत्रों का उपसंहार व्यतिहार करते हैं, ऐसे उपासना कर्म का भी उपसंहार व्यतिहार किया जा सकता है। मुख्य बात तो इसमें यह है। और आत्मा जो शरीर से भिन्न है, ये भी हमने पहले पढ़ा था, तो उसी आत्मा के मोक्ष के लिए उपदेश दिया जाता है कि वो जो जीवात्मा है, हम सब जीवात्मा हैं, उपासना करें, ध्यान करें और मोक्ष में जाएं। ये आज के पाठ का सार है। चलिए, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते।